प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आप ही के चहेते चैनल में, जिसका नाम है बर्ड पॉइंट। पंछियों की चहचहाट से हमारे दिन की शुरुआत होती है। आकाश में पेड़ की डाली पर ये सुंदर रंग बिखरे हैं। कभी ये अकेले गाते हैं तो कभी साथी के साथ। क्यों भला? आप हर बार नई जानकारी जानना चाहते हैं तो बर्ड पॉइंट ले आया है कुछ नई जानकारी। पक्षियों के झुंड को दिए हुए अलग अलग नाम। कबूतरों के बैठे समुदाय को क्या कहते हैं? A school, a kick, a plague, a band of droppings. कभी हमारी तरह सहचरों के साथ साथ मस्ती भी करते हैं। ऐसी मटर गश्ती तो तुम भी ना कर पाओ। हर प्रजाति का बर्ताव अलग होता है और कारण भी। कभी घोंसले की ओर लौटते हुए या स्थलांतर करते हुए झुंड में वी के आकार में। सुंदर से फ्लेमिंगो, बदक, बगुले सूर्यास्त समय उड़ते दिखते हैं। दर्शकों, आगे आप देखेंगे एक अनोखे पंछी का आश्चर्यकारक बर्ताव जो अभ्यास का विषय है। कितनी सुंदर यह है हलचल। तनिष्का, इस वैज्ञानिक चमत्कार का क्या रहस्य है, प्लीज बताओ ना। हाँ नीलम, इस वैज्ञानिक अद्भुत चमत्कार को समूह कवयात को मरमराहट भी कहते हैं। आगे देखो। जबरदस्त उड़ानी ताकत से पूर्व यूरोप से सर्दी यानी विंटर नवंबर दिसंबर में भारत आकर यह मोमेंटेशन से मन मोह लेते हैं। इस चतुर पक्षी समाज प्रिय है। एकजुटता से सभी का रक्षण और मेल जोल से आसपास की खबरों का लेन देन भी। इनके झुंड में हजारों से लाखों तक पक्षी बिना टकराए ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं अचानक कैसे मुड़ते हैं? कैसे करते हैं ये करतब? कौन सिखाता है इन्हें कवायद? शोधकर्ता बताते हैं कि आसपास के 6-7 साथियों की दिशा समझकर हर पक्षी
उसी तेजी से उड़ान भरता है ना समझदारी। और हमारा ट्रैफिक, दर्शक पक्षी जगत की रोचक बातें जानने के लिए अपने बर्ड पॉइंट चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और सपोर्ट करें, शेयर लाइक करें, प्रश्न लिखें। प्रिय दर्शक पक्षी जगत की रोचक बातें जानने के लिए अपने बर्ड पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट करें और शेयर करें। अगले वीडियो में नीलम जी के साथ मिलेंगे, विदा बाय। अगले वीडियो में तनिष्का जी के साथ मिलेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से अलविदा एंड बाय बाय।